महापुरुषों में, दुनिया के महापुरुषों में विद्वान थे अंबेडकर, दुनिया के महापुरुषों में विद्वान थे अंबेडकर, इस देश के शोषित पीड़ित गरीबों के सम्मान थे अंबेडकर, इस देश की नारियों के मुक्ति दाता थे अंबेडकर, इस देश में बौद्ध धर्म की पहचान थे अंबेडकर। ए मेरे भाइयों बहनों, हम आपके भगवान थे अंबेडकर, भगवान थे अंबेडकर। मैंने बाबा साहब के ऊपर ही दो तीन लाइन है, मुझे समय का ध्यान है। अगर बाबा भीम ना होते, ये सभी मेरी माताएं बहनें सुने, अगर बाबा भीम ना होते तो इस देश का मानवतावादी संविधान ना होता, और अगर इस देश का मानवतावादी संविधान ना होता तो हम करते गुलामी लगाते झाड़ू, साथियों हमारे हाथों में ये कलम ना होती अगर मेरे बाबा भीम ना होते। अगर साहब कांसी राम ना होते तो इस देश की सोती कौम जगी ना होती, और अगर इस देश की सोती कौम जगी ना होती तो आज पूरे भारत में जय भीम का डंका बजा ना होता अगर साहब कांसी राम ना होते। तो उनका एक नारा लेके यहाँ से प्रण करके जाना है, साहब ने कहा कि वोट हमारा राज तुम्हारा, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा का नारा साकार ना होता तो उत्तर प्रदेश की चार चार बार बहन जी सीएम ना बन पाती। और साथियों, अगर उत्तर प्रदेश की चार चार बार बहन जी सीएम ना बन पाती तो आज हमारे बहुजन समाज में जन्मे संत महान पुरुषों का इतिहास, जहां आप बैठे हैं बहुजन समाज में जन्मे संत महान पुरुषों का इतिहास आज जिंदा ना होता, इतिहास जिंदा ना होता। और अगर बहुजन समाज में जन्मे संत महान पुरुषों का इतिहास जिंदा ना होता तो हमें अपने गौरवशाली इतिहास का भी आभास ना होता। इसलिए बहन जी ने इतिहास बनाया है। अभी मेरे मार्गदर्शक है, मैंने बहुत कुछ सीखा है, उन्होंने कहा जोश में होश नहीं खोना है। आज हमारा युवा जो जोश में होश खो रहा है, अरे बहन तुम्हारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानो, अपना चुनाव चिन्ह हाथी मानो, और बहन जी को 2019 में इस देश का पीएम बनाओ। हमारी आपकी समस्याएं तुम तकलीफ दूर होंगी। इन्हीं बातों से मुझे समय का है, एक शेर पढ़ते हुए बाबा साहब के लिए कि हुए इस जमाने में बहुत बादशाह, इस जमाने में बहुत बादशाह, पर बादशाहों के बादशाह बाबा साहब थे, बादशाहों के बादशाह बाबा साहब थे। अरे लोग तो इंसानों को गुलाम बनाकर बादशाह बने, पर बाबा गुलामों को इंसान बनाने वाले बादशाह थे। इसलिए आप अपने घरों में दुख तकलीफ आपकी दूर होंगी, परम पूज्य बाबा साहब भगवान बुद्ध को अपने घर में प्रवेश करा लो और अंधविश्वास पाखंडवाद से आप दूर हो जाओ। हमारी जीत ही जीत होगी, सबका मंगलमय होगा, और बहन जी को अपना नेता मानो और बहुजन समाज पार्टी के चुनाव चिन्ह हाथी को आप जिताइए। जय भीम, जय भारत।